तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये कलर लगने के बाद का रिजल्ट है। ये आफ्टर वॉश आप देख सकते हो, कहीं पे भी स्किन पे नहीं लगा है, पूरे बाल जेट ब्लैक हो गए हैं। तो आज मैं आपको इसी के बारे में दिखाने जा रही हूँ और बताने जा रही हूँ एक ऐसा हेयर कलर जो बहुत ही नेचुरल है, आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा और परफेक्ट है फॉर मेन। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं ये है कौन सा हेयर कलर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लश ब्लश। और मैं हूँ आपकी फ्रेंड दिया। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है ऑल अबाउट मैन। व्हाई? बिकॉज लड़कों को क्या होता है, बाहर जब जाते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन अटैक करता है और उनके समय से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था, वो मैंने लड़कियों के लिए बनाया था जिसमें मैंने एक हेयर कलर लेकर आई थी जो बहुत सस्ता था, 40 रुपीज़ अराउंड। तो वो भी मैंने पिन कर दिया है अपने कमेंट सेक्शन में। अगर कोई लड़की देख रही हो तो वो डेफिनेटली वहाँ जाके वो वीडियो देख सकती है। बट दिस इज़ अबाउट यू नो कम्प्लीटली अबाउट मैन हेयर कलर, जो कि सिर्फ मात्र 25 रुपये में आप अपने जो बाल है, जो ग्रे हेयर है, उनको कम्प्लीटली ब्लैक कवरेज दे सकते हैं। इतना अमेजिंग कलर है। तो आइए हम जानते हैं उसके बारे में कुछ और बातें। बट उससे पहले जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि ये है आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल्सो टू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन। बेल बटन प्रेस करने से आपको मिलता है नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसको लगाना कितना आसान है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे ग्रे हेयर हैं और इन सबको हम यहीं इसी वीडियो में कवर करके बताएंगे कि कैसे हम मात्र 25 रुपये यूज़ करके एक नेचुरल हेयर कलर जो है वो अपने बालों में लगा सकते हैं। इतना आसान है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने यहाँ पे ब्रश का यूज़ किया है, बट एट द सेम टाइम इसके अंदर एक ग्लव्स आता है, आप बस उसको घोलिए। घोलने के बाद आप अपने पूरे बालों पे इजीली स्प्रेड कर दो। ये कहीं स्किन पे नहीं लगता है, कोई स्किन पे कलर नहीं आता है और बहुत ही अच्छा एक हेयर कलर है। तो मैं आपको उस कलर की और कुछ खूबियाँ बताऊँगी, बट उससे पहले मैंने सोचा कि मैं आपको क्यों ना इसका रिज़ल्ट बता दूँ। आप देखिए, यहाँ पे मैंने सारे बालों में ये लगा लिया है। ये एक पैकेट मेरे हिसाब से इतने लंबे बालों के लिए थोड़ा कम था, बट एट द सेम टाइम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके 2 पैकेट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए पूरे सब जगह लग गया है और लगने के बाद मात्र 10 मिनट बाद वॉश करने के बाद ये रहा रिज़ल्ट आपके सामने। कहीं भी स्किन पे कहीं पे भी नहीं लगा है। ये फ्रंट से भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आप अपनी आंखों पे बिलीव कर सकें। ऐसे तो मैंने जैसा बोला कि ये थोड़ा कम था क्वांटिटी में, तो पूरे बालों पे हम नहीं लगा पाए, बट फिर भी आप देखिए जहाँ जहाँ पे भी ग्रे हेयर मैंने आपको दिखाए थे वहाँ पूरा अच्छा ब्लैक कलर आ गया है। तो फ्रेंड्स, हम आज बात कर रहे हैं इंडिका हेयर कलर की। ये इतना ईजी है, ये मात्र 10 मिनटों में आपके बालों को नेचुरली ब्लैक कर देगा। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हो, 10 मिनट। तो अगर पार्टी में जाना है तो 10 मिनट पहले आप हेयर कलर करो और यू कैन गो। अब बताती हूँ इसकी खास बातें। ये जैसे कि मैंने आपको बताया लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत दिन तक चलता है ये कलर। ऐसा नहीं होगा एक हफ्ते बाद वापस से लगाना पड़ जाए, बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है। इसमें बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, आंवला, हिबिस्कस है इसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नेचुरल हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये जो है इसमें अमोनिया नहीं है, पूरे इंस्ट्रक्शंस पीछे दिए हुए हैं। प्लीज़ एक बारी पैच टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कई लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं, उनसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो पैच टेस्ट प्लीज़ ज़रूर कर लेना। ये बहुत ही अमेजिंग हेयर कलर है, आपके सामने आपने देख लिया है रिज़ल्ट और आप इसको एक बारी ट्राई कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर पूरे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे हुआ आंवला, हिना एंड हिबिस्कस। ये तीनों ही चीज़ें आपके बालों को मजबूती देंगी, उनको टूटने नहीं देंगी, उनको बेजान नहीं करेंगी, उनको मुरझाने नहीं देंगी। बहुत ही अमेजिंग
यू नो शाइनी ब्यूटिफुल, बहुत ही सिल्की हेयर होते हैं, और इसको आपको 10 मिनट लगाने के बाद सिंपली पानी से, ठंडे पानी से आप हेयर वॉश कर लीजिए, दैट्स इट एंड यू आर गुड टू गो. और कुछ भी नहीं करना है, दैट इज़ द ओनली थिंग विच यू हैव टू डू, क्योंकि इसके अंदर शैम्पू है. तो आपको मैं बता दूँ, ये शैम्पू बेस्ड हेयर कलर है, तो ईजिली आप अपने बालों पे स्प्रेड कीजिए, 10 मिनट बाद वॉश कर लीजिए और आपको मिलेगा एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट. ये वन टाइम यूज़ है, इसको खोलने के बाद ऐसा नहीं कि आप फिर रख लो थोड़ा सा अगली बार के लिए, कई लोगों के बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं, इसको एक बार ही खोलना है, मिलाना है और अपने सर पे लगाना है, दैट्स इट. तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा. तो अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, अरे कम ऑन, शेयर करो और उसको खूब ज़्यादा लाइक करो. दैट्स इट, मैं फिर मिलूंगी वेरी सून विद समथिंग न्यू ऑन माय चैनल ब्लश प्लस. तो चलती हूँ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.